रिंग लाइट वैसे ही चल रहा है क्योंकि लाइट कटा हुआ था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कुछ अलग होने वाला है, इसलिए क्योंकि अगर हम आपको बताएं तो पीछे देखिए बुक सब हम यहाँ रखे हैं और साथ में जितना भी बुक यहाँ पे था तो ये सारा बुक खराब हो गया। तो इसलिए क्योंकि ये दीवार उस साइड से बाहर से बारिश होता है तो रिश्ता, तो आज का प्लान है कि रूम चेंज करेंगे और साथ में किसी और के साथ भी रहेंगे। अगर हम दिखाएं तो सारा बुक अभी बाहर में सुखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का बुक रख के यहाँ पे और यहाँ देखिए तो सारा ऊपर रख दिए हैं करकट पे, तो सारा यहाँ सूख रहा अच्छा से इसी सब के वजह से। और कपड़ा सब भी खराब हो गया पूरा, यहाँ भी सूख रहा है वहाँ भी सूख रहा है, तो जितना जगह था सारा रख दी। यही था साथ में ये नीचे वाला कल पूरा साफ किए थे, देखे बहुत कपड़ा खराब हो गया, बुक भी खराब हो गया, तो इसीलिए डिसाइड किए कि अब रूम चेंज होगा और साथ में कोई और रहेगा मेरे साथ तो वो पता चल ही जाएगा। और अभी फ़िलहाल सुबह का खाना में आ गया, रेडी हो गया है चावल दाल और चोखा, तो अभी खाना खाते हैं और फिर चलेंगे बाद में रूम देखने। लगभग अभी 10 बज रहा है तो चलेंगे 2-3 बजे। तो अभी देखिए और इतना हवा चल रहा, बारिश भी आ रहा, तो जितना किताब बाहर पसारे थे सब भूल रहा। फिलहाल अभी मोहन इसको जल्दी जल्दी उठा के और सबको अंदर में रहने तो देगा मस्त में। फिलहाल अब सूख गया है लेकिन मौसम ख़राब है, अभी 1 बज रहा और पूरा मौसम ख़राब हो गया इसीलिए उठा रहे हैं, नहीं तो फिलहाल ही और सूखता उस साइड भी उठ गया है, जितना भी DPP जड़ था बनाने वाला सब। पूरा किताब यहाँ पे सहते हैं, इना इधर जब पलट दिए, पहले उस साइड से था तो अब इस साइड कर दिए तो थोड़ा कम खराब होगा, और जितना भी DPP था उसको यहाँ रख दिए हैं। तो फिलहाल अब रूम अच्छा लग रहा है, साथ में जो टेबल पे था तो ये रूम भी अभी पूरा साफ हो गया, सब कुछ सही लग रहा है। जो टेबल पे बुक था वो भी वहीं पे अरेंज कर दिए और टेबल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि पढ़ने में वहाँ पे दिक्कत होता था, तो उसके लिए सोचे इसको इधर ही शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे सही रहेगा। तो फिलहाल आज बारिश अभी भी हो ही रहा, अगर हम आपको दिखा दें बाहर का लुक तो कुछ देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश हो ही रहा। तो आज जो रूम देखने जाने वाले थे तो वो लगता है कैंसिल होगा, तो चलेंगे कल लेकिन जाना तो है। फिलहाल अभी कुछ दिन इसी में अरेंज करते हैं, तब तक जाके मेरा रूम पूरा अच्छा से सेटिंग हो गया। और साथ में एक चीज़ दिख रहा है तो देखिए यहाँ कुछ दिख रहा, मतलब बारिश हुआ और अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ पूरा फिर से रिसने लगा, तो इसीलिए बुक को उस साइड नहीं इस साइड दिए और फिलहाल रूम को मस्त कर दिए, टेबल को यहाँ लगा दिए और कुर्सी वहाँ रहेगा इसलिए क्योंकि मोहन और हम एक साथ पढ़ सकते हैं। पहले वहाँ था तो क्या होता था, कोई एगो पढ़ता था एगो सोता था, तो अब सही है, एगो बेड पर बैठेगा एगो वहाँ पर बैठेगा, और इसीलिए टेबल पूरा खाली कर दिए जो अपना अपना पढ़ाई करेगा। तो बारिश के कारण सारा प्लान चौपट हो गया, तो जा नहीं पाए रूम देखने के लिए लेकिन कल जाएंगे। और अभी बहुत शाम हो गया है तो अभी मेरा शाम का जो खाना है वो बना रहा है मोहन, पूरा मस्त में देख सकता है वो कुछ खा रहा था, मतलब मिर्ची है उसके हाथ में और यहाँ पे बैंगन का भुजिया और यहाँ पे देख सकते हैं तो आटा सना गया, तो बनेगा रोटी भुजिया जो कि रात का खाना बन रहा है अभी। मतलब 7:30 बज रहा, अगर बाहर का कुछ लुक दिखाएं तो देख सकते हैं गेट के बाहर कैसा है लुक, कुछ ऐसा है लुक है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर, मतलब वैसे अभी नवरात्रा चल रहा है तो जाते हैं थोड़ा दिखाते हैं भगवान को, तो अगरबत्ती पर थोड़ा से बादल ले लेंगे जो सब कुछ अच्छा से चले। तो अभी चलते हैं मंदिर। अभी आ गए पूरा घूम के, वैसे तो उतना मेला नहीं लगा था फिर भी थोड़ा बहुत मस्ती करके आ गए। तो हम कुछ देर से बाहर थे, लाइट कटा हुआ था तो ये रिंग लाइट जला के पढ़ रहा था आई थिंक,
और हम यहाँ पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहा था, और देखिए सो गया है बिना खाए पिए, कितना मस्त में सोया हुआ, मतलब पानी से भी नहीं उठ रहा। और रिंग लाइट वैसे ही चल रहा है क्योंकि लाइट कटा हुआ था, तो इसको उठाते हैं क्योंकि खाना बना दिया था और खाया कुछ भी नहीं है। मोहन मोहन की हो इतना की कर इतने अठाईस नींद लागल छ खाना आर नहीं खाए गए की? खाना भी मेरा आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं रोटी और सब्जी, तो सिंपल खाना है। और तो आज मेरा पूरा दिन यही था, बारिश के कारण जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेगा स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड, और जब हम जहाँ जहाँ जाते हैं सो उससे रिलेटेड हम जो भी करते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जल्द मिलेंगे किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।